हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट टू ऑफ इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एसएससी सीएचएसएल के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें से आप देख सकते हैं कि हर सेट में उस एक बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके एग्जाम्स जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इसका पार्ट टू आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी गाइड ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल्स और लैपटॉप्स में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो पार्ट टू है ये वीडियो का, पार्ट वन आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बैटल है जो हम कवर करेंगे वो है कार्नेटिक वॉर्स। तो ये तीन कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपको तीनों की ईयर्स याद रखने हैं कि इनके बीच में ये वॉर हुआ था और उस टाइम पे कौन सी ट्रीटी इन वॉर्स में साइन हुई थी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि यही मेन चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1744 से लेकर 48 तक। तो 4 साल का ये वॉर था और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये वॉर हुआ था। तो आपको याद रखना है इसमें ट्रीटी जो साइन हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले। तो आपको याद रखने हैं ये जो वॉर हुआ था ये हुआ था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। आपको ट्रीटी याद रखनी है, कौन से ईयर में हुआ था ये भी याद रखना है, 1744 से लेकर 48। सेकंड वॉर पे आते हैं, सेकंड कार्नेटिक वॉर पे, ये हुआ था 48 से लेकर 54। 1748 से लेकर 54 पे ये वॉर हुआ था। आप देख सकते हैं 6 ईयर वॉर है ये, और ये भी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वॉर हुआ था। और इस टाइम पे जो ट्रीटी साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है सेकंड कार्नेटिक वॉर की। थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था 1756 से लेकर 1763, और ये भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये वॉर हुआ था और इस टाइम पे ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी। देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चंस अधिकतर मैच द फॉलोइंग में आते हैं, आपको दे दिया जाता है जो वॉर्स हैं उनके बारे में, और उस टाइम पे आपको अपोजिट साइड में दे दिया जाता है जो कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। तो आपको याद रखना है कौन से वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। ये बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। तो आपको याद रखना, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1744 से लेकर 48, सेकंड 48 से लेकर 54, और थर्ड हुआ था 56 से लेकर 63। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तीन कार्नेटिक वॉर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट में हम आते हैं एंग्लो मराठा वॉर पे। तो देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ वो हुआ 1775 से लेकर 1782 तक, और ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में ये वॉर हुआ था, और इसमें मराठास जो है उनकी जीत हुई थी, और इस टाइम पे ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो साइन हुई थी। तो ये ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की जो ट्रीटी साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो आपको ये इंपॉर्टेंट वॉर याद रखना है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से लेकर 1805, तो आपको याद रखना है 2 साल के गैप में ये वॉर हुआ था, और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में वॉर हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी इस वॉर में। तो आपको याद रखना, पहले में हुई थी मराठास की जीत और दूसरे में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत। और इस टाइम पे जो मेन ट्रीटी आपको याद रखना है वो है ट्रीटी ऑफ बासेन। तो आपको याद रखना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। अब हम आते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये हुआ था 1817 से लेकर 1818, और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में ये वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और इस टाइम पे साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मांदेसर। तो आपको याद रखना है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। देखिए, आपको फिर से बता दें, ट्रीटी आपको याद रखनी है, ट्रीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में दे जा सकती है। तो आपको याद रखना है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तीन कार्नेटिक वॉर्स हमने कवर किए और तीन एंग्लो मराठा वॉर्स हम कवर कर चुके हैं, तो तीनों वॉर्स आपको अब याद रखने हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं मैसूर वॉर पे। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला मैसूर वॉर जो हुआ वो हुआ 1734 से लेकर 1766 तक, और ये हुआ बिटवीन मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास इस टाइम पे साइन हुई थी, आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है वो ट्रीटी साइन हुई थी मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये वॉर हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक, और ये भी हुआ मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और इस टाइम पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है, तीन
ये चार वॉर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। मैसूर वॉर्स, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1790 से लेकर 92 में हुआ था, और ये भी अगेन बिटवीन मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर हुआ था। और इस टाइम पे जो ट्रीटी साइन हुई वो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो आपको याद रखने हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इस टाइम पे साइन हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे। लास्ट में हम आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये 1799 में हुआ था और ये मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर हुआ था, और इस टाइम पे जो ब्रिटिश है उन्होंने सब्जुकेट किया था मैसूर को। तो आपको याद रखना है चार मैसूर वॉर्स हैं, इनसे रिलेटेड स्टोरीज भी है जो अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं। अभी सिर्फ हम आपको जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं किन के बीच में वॉर हुआ, जो ट्रीटी साइन हुई, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम के लिए इजिली नोट्स बना सकें और इजिली इस टॉपिक को कवर कर सकें। नेक्स्ट हम आते हैं एंग्लो सिख वॉर पे। तो देखिए पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से लेकर 46 तक, और सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर हुआ जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जीत हुई थी, और इस टाइम पे भैरोवल ट्रीटी जो है साइन हुई थी। तो आपको याद रखना फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज वॉन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो वॉर का ईयर है वो है 1845 से लेकर 46। नेक्स्ट में आते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो देखिए ये 1848 से लेकर 49 तक का ये वॉर था, और ये भी अगेन सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो आपको याद रखना पहला एंग्लो सिख वॉर और दूसरा एंग्लो सिख वॉर, दोनों ही वॉर के ईयर्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट में आते हैं अफगान वॉर्स के बारे में। तो देखिए फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ वो हुआ 1838 से लेकर 1842 के बीच में, और ये जो वॉर हुआ ये बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान्स के बीच में ये वॉर हुआ था जिसमें अफगान्स की जीत हुई थी पहले एंग्लो अफगान वॉर में। और इस टाइम पे जो है ये तीन लोगों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, रंजीत सिंह, शाह सुजा और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में। तो आपको याद रखना है इसमें अफगान्स की जीत हुई थी इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, और तीन जनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। आपको ईयर याद रखना है 1838 से लेकर 1842 का ये ईयर है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ये हुआ था 1878 से लेकर 80 तक, दो साल का ये वॉर था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान्स के बीच में ये वॉर था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और ट्रीटी ऑफ पेशावर जो है इस टाइम पे साइन हुई थी। तो आपको याद रखना सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर वॉज हेल्ड बिटवीन 1878 to 1880, और इसमें जो जीत हुई थी जो ये वॉर है ये वन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको याद रखना है ये सारी डिटेल्स। नेक्स्ट में आते हैं थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। तो आप देख सकते हैं तीन एंग्लो अफगान वॉर हुए थे, दो सिख वॉर हुए थे, ये सब डिटेल्स आपको नोट डाउन करते हुए जानी है। देखिए अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है जितने भी अफगान वॉर्स हैं तो प्लीज़ ये जो नोट्स हैं इनको ज़रूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हैं। आप डायरेक्टली याद करके इनको एग्जाम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट डिटेल में नहीं जाते हैं एग्जाम में। तो आप अगर ये भी याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ वो हुआ 1919 में बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अफगान्स, और ये जो वॉर है ये अफगान्स ने जीता, और इस टाइम पे जो ट्रीटी हुई वो थी ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। तो आपको याद रखना है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में जो ट्रीटी हुई वो थी ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, और इसमें जो अफगान्स हैं उनकी जीत हुई थी। 1919 में वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अफगान्स। तो आपको याद रखना है सारी डिटेल्स। तो ये था जो पार्ट टू है ये बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री का। इस पहले पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने दूसरे इंपॉर्टेंट जो वॉर्स थे जैसे बैटल ऑफ बक्सर जो वॉर था, और काफ़ी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो वॉर्स हैं उनको हमने कवर किया है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली इन बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसे आप एग्जाम में डायरेक्टली अपने एग्जाम में कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे। हमारा फेसबुक पेज है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी tutorials@gmail.com, यूट्यूब चैनल है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। ये वीडियो यूजफुल है एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंकिंग एनटीपीसी इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल्स और लैपटॉप्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको उसका रिप्लाई करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीवन।